हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेलेस क्लासेस। तो आज आप लोग हम लोग पढ़ेंगे बिहार हिस्ट्री। इसमें पहले इसमें दो वीडियो बन गया है जिसमें बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास और वैदिक काल देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे बिहार में महाजनपद काल में बिहार, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, महाजनपद काल में बिहार, उस समय इसका क्या बिहार का अस्तित्व, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें अक्सर देखा जाता है कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में महाजनपद काल का उदय हुआ था, ठीक है। इसमें महाजनपद का वर्णन आपको जो बौद्ध ग्रंथ का महत्वपूर्ण है अंगुत्तर निकाय, उसमें इसमें इसका वर्णन किया गया 16 महाजनपद का, ठीक है। इसमें बौद्ध का पवित्र ग्रंथ, बौद्ध के पवित्र ग्रंथ आपका है, क्या बोले हैं, और ऐसी अंगुत्तर निकाय, सॉरी अंगुत्तर निकाय में वर्णन किया गया है महाजनपद काल का, ठीक है फ्रेंड। जब आप अंगुत्तर निकाय पढ़िएगा ना, तो 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, ठीक। तो इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे 3 महाजनपद, क्योंकि 16 महाजनपद तो है लेकिन हम लोग 3 को पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे, पहला अंग पढ़ेंगे, दूसरा बजी पढ़ेंगे, और हम लोग तीसरा में मगध पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अंग और बजी छोटा छोटा है, मगध बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मगध के ही नाम से पूरा अशोक सम्राट को जाना गया था, तो इसलिए मगध बहुत बड़ा है। मगध का पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको शॉर्ट है अंग और बजी, अंग महाजनपद और बजी महाजनपद को हम लोग एक वीडियो में कन्वर्ट कर एक क्लियर कर लेंगे, तो मगध में फिर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे अंग महाजनपद को, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आएगा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल का उदय हुआ था, उसका हिस्ट्री चालू हुआ था, और इसका बौद्ध का उत्तर निकाय में इसका महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल का वर्णन किया गया, ठीक है। तो हम लोग बिहार में मेनली है, आपको बिहार स्पेशल हम लोग बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बिहार में आपको मेनली 3 को पढ़ना है, अंग, बजी और मगध, ठीक है। तो इसको मिरेज करते हैं, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है फ्रेंड। तो अंग महाजनपद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है। उल्लेख किस वेद में मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो फर्स्ट राजा था वो कौन था, ठीक है। तो अंग महाजनपद का जो प्रथम आर्य राजा उसका नाम तितुची था, ठीक है। इस महाजनपद में, अंग महाजनपद में आपको टोटल कितने राजा हुए थे, तो टोटल 25 राजा हुए थे, ठीक है। और आज के डेट में जो अंग महाजनपद हम लोग देखते हैं, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, आज का जो आधुनिक भारत है उसमें आपको आता है, क्या बोला जाता है, क्षेत्र कौन कौन आता है आज की डेट में, तो भागलपुर और मुंगेर का जो भागलपुर मुंगेर जिला के जो भी आसपास का क्षेत्र है, वो सब अंग महाजनपद के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। जैसे कि आज में मगध आप लोग देखे हैं, तो मगध में गया आ जाता है, नवादा आ जाता है, औरंगाबाद आ जाता है, जहानाबाद आ जाता है, ठीक है। उसी तरह उस समय क्षेत्र में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र को अंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसका राजधानी आपको था, अंग महाजनपद की राजधानी चंपापुरी, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपापुरी। देखिए फ्रेंड, अब इसमें देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन आता है आपको इस तरह कि अंग महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपको ऑप्शन रहेगा थर्ववेद, सामवेद, दामवेद, अन्यधान, समझ गए।
तो उसमें आपको अथॉरिटी करना है, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उल्लेख पूछ देगा कि अथर्व अंग महाजन पद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में, ठीक है। पूछ देगा कि अंग का अंग महाजन पद का प्रथम राजा कौन था, उसका नाम हुआ तीतुची, ठीक है। और उसमें टोटल कितने राजा हुए थे, तो 25 राजा हुए थे अंग महाजन जनपद में, टोटल 25 राजा हुए थे, ठीक है। और उसका पूछेगा क्वेश्चन कि अंग महाजनपद का वर्तमान में बिहार में कौन सा जिला जो था उस क्षेत्र से प्रभावित था, तो भागलपुर और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपापुरी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं, तब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका महाभारत देखे हैं उसमें कुंती का पुत्र कौन था, कर्ण, याद होगा आप लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो कर्ण यहाँ का जो चंपा है, अरे सॉरी अंग है, अंग का अंतिम आर्य राजा कौन था, तो कर्ण था। जैसे कि यहाँ पर अंतिम प्रथम आर्य राजा कौन थे, तीतुची थे। तो पूछ देगा कि कर्ण कहाँ का अंतिम आर्य राजा था, अंग महाजनपद का था, ठीक है। अंतिम आर्य राजा कौन था, कुंती पुत्र कर्ण था, ठीक है, कर्ण था यहाँ का अंतिम राजा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीन और राजा आए थे जिसका क्रम है आपको दधी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक लोग समझ गए हैं, देखिए अंतिम आर्य राजा अगर पूछ देगा तो कर्ण था, प्रथम आर्य राजा पूछ देगा तो आपको तीतुची थे, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा अंतिम राजा के लिए पूछ देगा, आर्य नहीं लगाया तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट था दधीवन, सेकेंड था दर्धवर्मन और थर्ड था ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अब देखिए जब आपको दधिवाहन की पुत्री थी एक, उसका नाम था चंदना, ठीक है। तो वो जो चंदना थी दधिवाहन का पुत्री, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, दधिवाहन की पुत्री चंदना, ठीक है। दधिवाहन की पुत्री चंदना प्रथम महिला थी जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ज़्यादा अंग में नहीं पढ़ना है और वजी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है तो मगध में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कि जो बिंबिसार था, लास्ट जो राजा था ब्रह्मदत्त, उसे युद्ध करके अंग को मगध क्षेत्र में मिला लिया था, मगध का राजा बिंबिसार था। तो लास्ट पॉइंट आपका है कि जो बिंबिसार मगध राजा था उसके शासनकाल में जब अंग का राजा ब्रह्मदत्त था, तो उससे युद्ध करके उसने मगध को ब्रह्मदत्त से युद्ध करके मगध में मिला लिया था, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, अंग में इतना ही है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखिए अंग महाजनपद में इसका उल्लेख आपको महाजन पदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण ही ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। तो उल्लेख इसका किसमें मिलता है, अंग महाजनपद का, तो अथर्ववेद में। प्रथम आर्य राजा पूछ देगा तीतुची और अंतिम आर्य राजा पूछ देगा तो कर्ण था, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल 25 राजा हुए थे, इसका कौन सा वर्तमान में क्षेत्र आता है, तो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र एरिया है आसपास का, वो अंग महाजनपद में आता था। इसकी राजधानी थी चंपापुरी, ठीक है। अंतिम आर्य राजा था कर्ण था, और अंतिम राजा पूछ देगा तो उसमें दधिवान, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त था, ठीक है।
दधिवन की पुत्री जिसका नाम चंदना था उसने प्रथम चंदना थी उसने सबसे पहले जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया कि प्रथम महिला स्वीकार करने वाली चंदना थी जो कि दधिवन की पुत्री थी। उसके बाद मगध का राजा बिम्बिसार था उसने आपको अंग महाजनपद के जो अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था उसे युद्ध करके अपने अंग क्षेत्र को मगध में मिला लिया था। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, अंग हम लोग देख लिए, अब चलते हैं बज्जी की तरफ। बज्जी महाजनपद इसमें क्या आता फ्रेंड, जिससे उसमें था कि बौद्ध ग्रंथ से छठी शताब्दी ईसा पूर्व था अंग, इसमें क्या था जब बौद्ध का काल चल रहा था, बौद्ध काल, उसमें आपको 10 गणराज्य का वर्णन किया गया है। इसमें मैं आपको वैशाली गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य, आप लोग जानते होंगे लिच्छवी गणराज्य के बारे में, तो इसी के बारे में वर्णन किया गया वहाँ पर। ठीक है, तो उसमें 10 जो महत्वपूर्ण बौद्ध काल में बुद्ध काल में जो चल रहा था उसमें 10 गणतंत्र राज्य था। ठीक है, तो उसमें एक आता है बज्जी। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि बज्जी में इसका राजधानी कहाँ थी, वैशाली। ठीक है, राजधानी वैशाली थी। ठीक, इसके बाद यहाँ का जो युद्ध था क्या बोला जाता है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र था वो आज का जो तिरहुत प्रमंडल है। ठीक है, जो कि आपको मुजफ्फरपुर और वैशाली गंगा नदी से उत्तर वाला क्षेत्र को बज्जी महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको वैशाली और मुजफ्फरपुर इस क्षेत्र को बज्जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इसमें 8 कुल गणतंत्र मिले थे। ठीक है, इसमें ज्ञात्रिक और क्या बोलता है, ठीक है, इसमें विदेह था, ज्ञात्रिक था और अंग बज्जी था। इसमें महत्वपूर्ण था, टोटल 8 इसमें आपको गणराज्य मिला था। इसे यहाँ का लिच्छवी गणराज्य, इसको हम लोग और एक नाम जानते हैं, लिच्छवी गणराज्य, यह एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। जैसे हम लोग का भारत गणराज्य लिखा जाता है पासपोर्ट पर, आप देखिएगा भारत गणराज्य लिखा रहता है, उसी तरह क्योंकि एक जो अच्छा होता है उसके लिए गणराज्य का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बज्जी को क्या बोलते हैं, लिच्छवी गणराज्य के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ का राजधानी आप लोग देख लिए वैशाली था, इसका अभी वर्तमान का क्षेत्र था वैशाली और मुजफ्फरपुर गंगा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है, और हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक समझ में, देखिए इसका उल्लेख मिलता है राज शब्द पंजवी में, और इसका राज शब्द पंजवी एक किताब बुक है, इसको लिखे कौन है, कौटिल्य के राज शब्द बुक में इसका उल्लेख पूरा मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए जो ज्ञात्रिक है, ज्ञात्रिक जो था क्या लिखा होता है, ज्ञात्रिक जो था वो कुंड ग्राम के, वैशाली के कुंड ग्राम में थे। ठीक है, ज्ञातिक जो था वैशाली कुंड ग्राम में था, और यहाँ का सरदार कौन थे, तो आपको सिद्धार्थ, कुंड ग्राम का सिद्धार्थ को कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन समझिएगा, सिद्धार्थ आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, जो लालू सर पढ़ाए हैं उसमें बताया गया है, कहाँ पर बताया गया था, आपको जैन धर्म में। सिद्धार्थ किसके पिता थे, तो महावीर के पिता थे। अब यहाँ पर देखिए महावीर के पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे। ठीक है, का पिता थे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, महावीर का
540 ईसा पूर्व में, ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में था। ई जो थे आपको सिद्धार्थ वैशाली जो कुंड ग्राम का थे, ज्ञात्रिक जो क्षेत्र ज्ञात्रिक आता था, ज्ञात्रिक कोई नाम है उसका जो सरदार थे, कुंड ग्राम में पड़ता था सिद्धार्थ थे, ठीक है। और सिद्धार्थ की पत्नी का नाम त्रिशिला था। सिद्धार्थ जो थे, एक मिनट आप देखिएगा, सिद्धार्थ की पत्नी के नाम त्रिशिला था। त्रिशिला मीनिंग गलती हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा। त्रिशिला था जो, ये त्रिशिला थी, ये जो लिच्छवी गणराज देख रहे हैं यहाँ के राजा एक चेटक था, ठीक है, उसकी ये बहन थी। किसकी बहन थी? चेतक राजा, चेतक 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 की बहन कौन थी? त्रिशिला थी, जो कि महावीर की माता कहलाई, ठीक है, या सिद्धार्थ की पत्नी कहलाई। ये लिच्छवी गणराज का प्रमुख जो था वो चेतक राजा था, उसकी बहन त्रिशिला थी, और इन्हीं का माता इन्होंने त्रिशिला जो थे इन्होंने महावीर का जन्म दिया, महावीर स्वामी का, ठीक है। और इनके पिता थे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक के, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और ये वैशाली के कुंड ग्राम में थे। तो इसीलिए महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, नहीं समझते एक बार बोर्ड इरेज करके हम शॉर्ट में सब लिख देंगे, वहाँ से आप लोग समझा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि देखिए, इसके बाद आगे करने, ठीक है। तो आप देखिए, जो यहाँ पर जो बजी महाजन जो हो रहा था लिच्छवी गणराज में, जो भी राजा आ रहे थे सबको एक समान बैठाया जाता था, जिसमें बुजुर्ग थे उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे आज भी है सीनियर सिटीजन कि लोग यंग को नहीं उतना बात को वैल्यू देते हैं, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जो बोल देते हैं उसको बात को लोग वैल्यू देते हैं। उसी समय ऐसा हुआ होता था, ठीक है। तो जब सभी राजा आपस में मीटिंग कर रहे थे, राजा का मीटिंग जब होता था तो उसको आप लोग क्या बोला, संस्था बोला जाता था, ठीक है। जो मीटिंग होता था उसको मीटिंग होता था उसको संस्था बोला गया, संस्था। जैसे कि अभी आप ऐसे समझिए, जब कोई सभी स्टेट के मुख्यमंत्री का मीटिंग होता है तो बोला जाता है कि मुख्यमंत्री का मीटिंग हुआ। उस समय ऐसा होता था कि जब सभी राजा का इस बजी महाजनपद में जब सभी राजा का मीटिंग होता था तो उसमें बोला जाता था आपको कि मतलब कि संस्था चल रहा है, तो इसमें जो इस मीटिंग में भाग लिए थे सभी राजा, उसमें जो बुजुर्ग राजा था उनके बात का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता। बाई चांस मान लीजिए कि इसमें जो यंग राजा थे लोग बोलते थे कि हम लोग मगध पर आक्रमण करें, लेकिन कोई बुजुर्ग राजा थे उसमें बोलते कि नहीं ऐसा गलत बात है, तो वैसा माना जाता था कि चलो भाई बुजुर्ग हैं मतलब यंग अरे ज़्यादा एज के हैं इसलिए उनके बात का वैल्यू दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद एक आप लोग नाम सुनोगे आम्रपाली, आम्रपाली मेरी गलती हो सकता है, जो आम्रपाली थी वो लिच्छवी गणराज की बहू थी, ठीक है, नगर वधु, ठीक है, अपने याद करा दिया आम्रपाली, ठीक है। तो जो आम्रपाली थी वो लिच्छवी गणराज के नगर वधु थी। नगर वधु किसे कहते हैं? ऐसे मानेंगे जैसे सीता जी आई अयोध्या में, अयोध्या की नगर वधु कहें, ठीक है। वो एक घर के ना होके उस पूरा क्षेत्र का बहू कहें, इसीलिए आम्रपाली भी आपको इस जो राजा थे उसके ना कह गए, उस राजवंश के बहू कहा गए, क्योंकि जैसे होता है ना कि आपको बोला था कि राजा, राजा के बाद उसका बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होता है, इसी प्रकार इसको पूरा ऐसा नाम दे दिया गया, मतलब कि राजवधु। लिच्छवी गणराज की राजवधु कौन थी? आम्रपाली। इसका संबंध किससे था? तो मगध राजा का जो बिंबिसार था उसके साथ इसका संबंध था, ठीक है। तो अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, एक मिनट, अगर इसको यहाँ तक समझ आए तो इरेज कर दें, और आपको 16 महाजनपद को हम राजधानी लिख देते हैं,
एक नंबर वहाँ से आता है क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करते हैं और इसको इरेज करके हम 16 जनपद का राजधानी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद, ठीक है, राज्य और राजधानी। देखिए पहला था अंग, जिसका राजधानी चंपा थी, दूसरा बज्जी, जिसका राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी राजगिरी और राजगिरी और गिरिब्रिज कहीं कहीं नहीं देता है, ठीक है। तो आप लोग सस्पेंशन में नहीं रहिएगा। मल का है आपका राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर या पावा, ठीक है। काशी का वाराणसी में राजधानी थी, और कौशल का श्रावस्ती में राजधानी थी, वत्स का कौशवी में राजधानी थी, चेन्नी का सत्यमती में राजधानी थी, कुरु का इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, और पंचाल का अरिक्षत्र में राजधानी थी, सुरसेन मथुरा में राजधानी थी, मत्स्य का विराटनगर में राजधानी थी, अवंती इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अवंती देता है एग्जाम में, उज्जैनी और माहिष्मती इसका दो नाम था राजधानी, अश्मक का राजधानी पाटन या पोतना था, गंधार ये भी इंपॉर्टेंट है, तत्शिला राजधानी थी, वो कम्बोज इसका राजधानी राजपुर या हाटक, ठीक है फ्रेंड। तो इस राज्य राजधानी को आप लोग याद रखिएगा, एक नंबर यहाँ से आता है, या बिहार दरोगा हो या बिहार PCS हो या बिहार SSC हो, ठीक है। इसके बाद आई होप कि आप लोग अंग और बज्जी को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।